निर्दलीय प्रत्याशी खुशरुद्दीन अंसारी ने किया गांव में जनसंपर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। कुशीनगर 333 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे खुशरुद्दीन अंसारी ने किया जनता से जनसंपर्क। विजय भव का मांगा आशीर्वाद। लोकतंत्र के चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और इस अधिकार के चलते 333 कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से खुशरुद्दीन अंसारी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता से क्षेत्र में चौमुखी विकास करने के लिए एक अवसर देने की अपील कर रहे हैं। कुशीनगर विधानसभा जिले के सबसे चर्चित सीट में शुमार है, जहाँ से सभी जाने माने उम्मीदवारों के बीच खुशरुद्दीन अंसारी संघर्षशील नेता के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रत्याशी खुशरुद्दीन अंसारी ने कहा कि कुशीनगर क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए जनता मुझे जरूर वोट करेगी। कुशीनगर की जनता से मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है और मैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। कुशीनगर विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा मुद्दा यह है कि सबसे पहले मैं बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करूँगा और जब रोजगार पैदा होगा तो देश की और हमारे विधानसभा की समस्याएं काफ़ी दूर हो जाएंगी। लोग जब काम करना स्टार्ट करेंगे, दो रुपया कमाना स्टार्ट करेंगे तो वो शिक्षा पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में वो अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुशीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दल प्रत्याशी के रूप में और मेरा नाम खुशरुद्दीन अंसारी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस विधानसभा के युवा और बेरोजगार मुझे सपोर्ट करें और वोट करें ताकि मैं विधानसभा में पहुँच कर उनके लिए रोजगार पैदा करूँ। और हमारे यहाँ रक्षा मंत्री जो रैलियाँ थी सैनिक भर्ती के लिए रैलियाँ नहीं निकालते हैं, मैं कुशीनगर से युवाओं से अपील करूँगा कि कुशीनगर को मैं यहीं से रैली भर्ती शुरू करवाऊँगा।